एमपी इलेक्शन खत्म हो रहा, सबको बहुत कंफ्यूजन था। बाहेन नॉमिनेशन करते है, कंटेस्ट भी करते हो तो कंफ्यूजन था। मैं इलेक्शन कंटेस्ट करको नहीं हो, खाली नॉमिनेशन करा। हर बार मैं करता हूँ, यह बार भी एमपी को नॉमिनेशन करा था, कंटेस्ट करको नहीं हूँ इलेक्शन। जब कंटेस्ट नहीं करना है तो हर बार कहीं को नॉमिनेशन करना, हर बार बोले तो 15 साल से अपने हर बार नॉमिनेशन डालते। ये मेरा शौक है, नॉमिनेशन करना मेरा शौक है। पहले बार एमपी को कॉन्टेक्ट करियो सर, नॉमिनेशन डाल को सर। पहले एमएलए को डालता है, कॉर्पोरेटर को डाल को हो, नॉमिनेशन डाल को हो तो इंडिपेंडेंट करके बोले तो पार्टी है सच, कांग्रेस है, जेडीएस है और बीजेपी है, पूरा पार्टियां फुल है। अब दूसरे पार्टी कौन सी है मतलब के वास्ते? तो मैं पार्टी में डिमांड भी कर लिया, मुझे भी फॉर्म दे उसको। नहीं, मुझे पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, ये भी नॉमिनेशन कर दिया। डालते हो कोई किसके वास्ते डालते हैं? वहाँ एक एमएलए को हेल्प करने के वास्ते हम नॉमिनेशन डालते हैं। तो लोगों में भी कंफ्यूजन है कि इससे जो है लोगों का वोट फूटता है, तुम्हारे बैंक फॉलोअर्स नहीं, तुम्हारे एरिया में मुसलमानों के वोट डिवाइड होने के चांसेस है। यहाँ सही बात, बहुत सही बात बोले। आज तक किसे भी मालूम नहीं था मैं नॉमिनेशन डालता था सर। एमपी में पहली बार हमारे दोस्त के तरफ से नॉमिनेशन बाहर निकला सही है, तो अब तक मालूम नहीं था नॉमिनेशन डालता था सर। तो लोगों में कंफ्यूजन भी है कि तुम्हारा क्या मामला है, किसे सपोर्ट कर रही हो, तो जी जी क्या बोलते हैं? नहीं, पहली बार ऐसा हुआ सर। अब कंफ्यूजन दूर करने के वास्ते मैं तुम्हारा सामने सब बैठता हूँ। अगर मैं कॉन्टेस्ट करता तो 25 हजार या 30 हजार के करीब में निकल जाता था। अगर तुम्हें 25-30 हजार वोट आ लेते तो नुकसान किसका होता था? तुमने मालूम किसका नुकसान होता था? कॉन्फ्रेंस करने का मकसद मैं नॉमिनेशन करियो, मैं कॉन्टेस्ट करके नहीं हूँ। पब्लिक को मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि कौन भी ये समझो रखो माहिंदा इलेक्शन को खड़े, माहिंदा क्या इतने कम वोट लिए, ये हमें क्या क्या क्यों सोचे थे करके, ये सोचो रखो। और जो भी बंजे वोटा करे, मेरा माँ भाना, मेरा फ्रेंड्स, मेरा फॉलोवर्स, उनको सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ये मेरे तरफ से।